बैठिए भाई साहब। बाकी सब कैसे चल रहा है? आपसे कुछ छुपा तो नहीं है, 5 साल से वो बिस्तर पर ही है और 2 दिन बाद ही ऑपरेशन है। पैसे नहीं इकट्ठे कर पा रहा हूँ। मैंने जब आपसे कहा तो आपने मुझे कर्जा दिलाया और जिसने मुझे कर्जा दिया वो मेरा खून पी रहा है। सब कुछ जानकर ही कर्जा लिया था ना? 2 लाख कर्जा लिया था और अब तक 4 लाख दे चुका हूँ और 3 लाख रुपए देने बाकी हैं। और वैसे भी इसमें मेरा क्या फायदा, तुम्हारा ही फायदा हो ये सोचकर मैं गारंटर भी बनी थी ना। पिछले महीने का ब्याज आप नहीं भर पाए तो मैंने भर दिया, पता है ना? माणिक घर खाली करवाने के लिए लोगों को भेजने वाला था, मैंने ही उसे रोका था ना। और वैसे भी आपको तो पता ही है माणिक पैसे इंसानों की तरह देता है और वसूल करते समय हैवान बन जाता है। अब इसमें कोई क्या कर सकता है? एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा है ना, सब कुछ पता होकर आपने दस्तखत कैसे किया? आपने जो कर्जा लिया है वो मेरे गले में फंसा है, वैसे भी आपको कितनी बार बचाती रहूंगी। कैसी हो बच्ची? मैं ठीक हूँ। क्या पढ़ती हो तुम? इंटर। पढ़ाई करके माँ बाप का नाम रोशन करना। हाँ ठीक है। आपके जैसे ही मैंने रामू को भी कर्जा दिलवाया था, वो बहुत शातिर निकला। उसने अपनी बीवी को एक दिन माणिक के पास भेज दिया, अब वो चैन की नींद सो रहा है। एग्रीमेंट भी वापस ले लिया, अभी ना तो कोई कर्जा है और ना ही कोई तकलीफ, सुकून से जी रहा है। ये बात किसी को नहीं पता, मेरे बताने तक आपको भी नहीं पता थी। इतना ही क्यों, माणिक से मैंने भी पैसे लिए थे, ब्याज भी चुका दिया है, अब देखो मैं कैसे रह रही हूँ, पूजा पाठ भी कर रही हूँ। माणिक का उस पर दिल आ गया है, जो कर्जा आपने 5 सालों में नहीं चुकाया वो आपकी बेटी 5 मिनटों में चुका देगी। आज भगवान के दर्शन बहुत अच्छे। हाँ माँ। आंटी अभी 2 दिन हुए शादी हुए और मंदिर के चक्कर लगवा रही हो। अरे कल तक हम पूरे शॉपिंग में ही बिजी थे, अब जितना लिया है सब भगवान को दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए जो कुछ भी लिया है इसे पहनाकर भगवान को दिखाने लाई हूँ। आप भी ना आंटी, अभी भगवान को ये ज्वेलरी नहीं दिखाओगी तो क्या भगवान नाराज हो जाएंगे? क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? तुम्हारी चेन कौन ले गया? अरे तेरा मंगलसूत्र, ए रुक रुक चोर कहीं के, तूने मेरा मंगलसूत्र छीना है, तेरा कभी भला नहीं होगा। भगवान तेरा सत्यानाश करेंगे, भगवान तेरा सत्यानाश करेंगे, भगवान तेरा सत्यानाश करेंगे। गणपतिमहे कवि कवीनाश्रवस्तम ज्येष्ठराज ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पद आकस्ृण्वन्ोतिशीदसादनम ओं महागणाधिपत नम। भार्गव राम के होते हुए शिव का धनुष तोड़ने का साहस करने वाला वो राजन कौन है? बुलाओ उसे मेरे सामने आने के लिए कहो, और इस परशु को युद्ध में हराकर अपना प्रताप दिखाने के लिए कहो, बुलाओ उसे। प्रणाम मुनिवर, प्रणाम। राम मेरा पुत्र है, हमारा ये परम सौभाग्य है कि आप मेरे यहाँ पधारे। नूतन वर वधु को कृपा करके आशीर्वाद दीजिए। मैं यहाँ आशीर्वाद देने नहीं आया दशरथ, उसका वध करने यहाँ पर आया हूँ। इस महायुग में 2 राम नहीं रह सकते, इस पृथ्वी लोक पर या तो मैं रहूंगा या तो आपका पुत्र। शिवधनुष को तोड़ने वाले आपके पुत्र को यहाँ बुलाओ। रघुराम, परशुराम किसी की नहीं सुनेंगे, आप स्वयं जाकर उनके क्रोध को शांत कीजिए। भगवान राम को मेरा प्रणाम। क्या तुम ही हो इस धनुष को तोड़ने वाले राम? मैं ही हूँ स्वामी।
क्या तुम इतने शक्तिशाली हो कि परशुराम के गुरु परमेश्वर महादेव के धनुष को तोड़ने का साहस किया? तुम्हारे पाप का दंड क्या मिलेगा तुम्हें ये ज्ञात है? मैंने कोई अपराध नहीं किया है, स्वयंवर का नियम था इसलिए धनुष तोड़ना पड़ा। आपका इसे अपमान समझना धर्म नहीं होगा। इस नीति वाणी से तुम हमें शांत नहीं कर सकते राजकुमार। राजवंश के शत्रु ने परशुराम को हराया, ये प्रशंसा कदापि नहीं हो सकती। तुरंत मेरे पैरों में गिर कर क्षमा मांग लो, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। विवाह अभी तक संपन्न नहीं हुआ है इसलिए धनुष नहीं उठा सकते स्वामी। ये समय का बहाना देकर इस परशुराम से तुम कभी बच नहीं सकते। क्षत्रिय हो तो युद्ध कर लो। धर्म के लिए ही मैं अपने चरण पीछे ले रहा हूँ। ब्राह्मण को मारने का पाप मैं अपने सर पे नहीं लेना चाहता। तू मेरे ब्राह्मण धर्म को मान दे रहा है, क्षत्रिय होकर मेरे शस्त्र को नहीं धनुर्धारी हो। और अगर खुद को वीर पुत्र समझते हो तो मेरे इस वैष्णव धनुष को पकड़ो और बाहुबल का प्रदर्शन करो। महर्षि की आज्ञा को मैं स्वीकार करता हूँ। अब मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। मेरे इस दुष्कृत्य के लिए आप मुझे क्षमा कर दें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। ए, अरे बुलगानिन, स्टार्ट द म्यूजिक यार। कार्तिक, मैंने बताया था ना ये सब खराब कर देगा। इसकी वजह से अब अवार्ड भी नहीं मिलेगा। डांस कंपटीशन में इसे नहीं रखेंगे। ए, ये लाइट उधर लगाओ और वो उधर लगाओ। राम, हाँ? तुम सीता को नहीं कैमरे पे फोकस करो। हाँ, कैमरा। चलो, रेडी। आपने देख ही लिया है ना हमारे थिएटर आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस। अभी रिजल्ट को अनाउंस करने के लिए हमारे सबसे चहीते इंग्लिश लिटरेचर में गोल्ड मेडलिस्ट, टॉप 10 बिलियनियर, एप्पल कंपनी को टेक ओवर करने वाले रमेश मालिया जी, प्लीज वेलकम टू द डायस सर। Now next segment in best dance performance. Nahi hu na sir. Crazy fellow. Madan Gopal Michael Jackson. Uh-huh. Rock star hai ye, please welcome. Oh wow. What a step. What a step. Please get up. Madam, aap ne kaha tha be positive rehna. मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा ऐसा कहा था मैडम। मैंने बहुत सारी मेहनत की थी। आई एम जस्ट गेस। अरे भाई, समझने की कोशिश करो। मुझे मिल रहा है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? कैसे आ गया? चल चल, तुझे कैसे मिला? कैसे मिला? सेना वाले, ये मेरा है। दैट इज नॉट करेक्ट मिस्टर। अरे काहे का सेलिब्रिटी, तू तो बेवड़ा है। मेरा गोल्ड मेडल उसे दे रहा था। चल निकल, चल निकल, चल। आई विल टॉक टू ओबामा। बेटा चल ले, तुम भी निकलो। सारे अवार्ड मेरे हैं। हे, इसे कंट्रोल है। ये तो अवार्ड मिल गया ना। That is not correct. This is correct. I want this. That doesn't suit me. मुझे यही सूट करता है। समझ गए? ए पुलिस वाले, इस पर एक नहीं दो दो गोल्ड मेडल मिले हैं। ए पागल पागल, हट 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 हट। अरे तू है इसलिए रोक दिया, नहीं तो दूसरी कोई होती ना तो उसे डाल देता मैं। बीच में क्यों आती है, चल जाना। मॉर्निंग से मैं तुम्हारे लिए कितने इंतजार कर रही थी पता है? अच्छा, मेरे ऊपर प्यार बढ़ गया है क्या तेरा? आजा गले लग जा। तुम मजाक में क्यों लेते हो? बात सीरियस है क्या? ये
ये पता कौन है वो? ये कौन ही गधे कहीं के इस तरफ? इधर है। अरे शैतानों की टोली! ईएसपी के बेटे हेड कांस्टेबल के बेटे झगड़ा कर रहे हैं, कमलेश को बुलाओ, वो संभाल लेगा। कमलेश कुमार! इसी को गधा मजूरी कहते हैं। इन अफसरों की सेवा कर करके थक गया हूँ। इनकी सेवा करने से तो अच्छा है कि शेडी में जाकर काला धागा बेचूं। अच्छा हो गया ना मेकओवर। ये प्लान तुम दोनों ने मिलके किया है ना? मैंने अभी तक अपना आपा नहीं खोया, इसलिए ज्यादा नहीं धोया तुझे। दूसरी बार अगर कॉलोनी के लड़कियों के पीछे पड़ा ना तो बिना तेल के चंपी कर दूंगा तेरी। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तू उसे रोज रोज क्यों मारता है? एक ही दिन में पेट भर कर मार लेना। देख लूंगा उसे मैं। कल भी वो मार खाएगा। दत तरह की जिसे पैरों के नीचे रहना चाहिए था, सर झुका कर खड़े रहना चाहिए था, वो हमारे सर पे बैठा है। देखिए कैसे मारा है मेरे बच्चे को। वो लड़का बचपन से ही मेरे बच्चे को पीटता आ रहा है और आप साइलेंट मोड पर ही बैठे रहना। वो बंद कर अपना। साइलेंट नहीं रहा तो क्या करूं मैं? तेरी तरह झगड़ा करूं मैं? जाहिल नहीं हूं मैं। उसका बाप हेड कांस्टेबल है और आप डीएसपी। और एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले से झगड़ा करेगा तो पुलिस की इज्जत जाएगी ना। वैसे भी तेरा बेटा नादान नहीं है, पूरे पुलिस स्टेशन का कबाड़ा बना दिया। हमेशा मार खा कर आता है, कभी मार भी दिया कर। अरे कहां मर गया? टाइम पर फोन करना चाहिए, तुझे पता नहीं? बैलेंस नहीं था माँ। मेरे करने पर भी नहीं लग रहा था ना। सिग्नल नहीं था माँ। अगर कुछ भी नहीं था तो तुझे जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए था ना। रात में नींद पूरी नहीं हुई माँ। मेरा दामाद क्या डीएसपी या होमगार्ड है? मेरी एक बात सुन, मेरी बात मानेगा तो पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करेगा, वरना घर में बर्तन मांजने की ड्यूटी करनी पड़ेगी। वो तो मैं हमेशा ही। क्या बोल रहा है? ज्यादा ड्रामा किया ना तो खींच कर एक दूंगी, समझा? ये ले सामान की लिस्ट। इतनी बड़ी लिस्ट कंप्लेंट करेगा? मिर्ची, दाल, नमक, अदरक, लहसुन, लवंग यहाँ से ले आना, गर्मी कम हो गई है ना। सच में माँ? हाँ ठीक है ले आऊंगा। और उनमें तंबाकू, गुटखा ये तो भूलना ही मत, वो याद आ रहे हैं। अरे अभी तक यही बैठा है, चल निकल यहाँ। फिर से याद आ गया, क्या है माँ? उस दिन तुझसे 1 किलो मच्छी मंगवाई थी, तब तूने कितना बताया था? 30 रुपए बताया था माँ। बगल वाला तो कह रहा था कि 27 में ही मिलती है। 3 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, अपने ही घर से कमीशन खाएगा, कमीशन खाएगा, जिन्ना माँ। अरे मेंढक की तरह आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा है। अरे बाप रे, मैं तो डर ही गई। ड्रामा करता है, पुलिस वाला होकर कैसे ही चोरी करता है, जिन्नी चोर। उसको 5 अंडों के साथ माँ के हाथों की बिरयानी। बिरयानी ये मेरी है। कितना टाइम हो गया? स्टॉप। अरे टाइम हो गया, तेरे पापा ड्यूटी से आने ही वाले होंगे। बड़ी माँ, भैया शॉर्ट फिल्म में बिजी है,
जाओ जाओ भाई, देखो सारे शॉट मस्त आए हैं। अरे नालायक कहीं के, अगर वो आ गए तो तुम सबको मार पड़ेगी, समझे? नहीं सुधरोगे तुम लोग। भाई बहुत अच्छी एक्टिंग की है आपने। मेरे भैया का शॉट अच्छे से लिया ना? गलती से मिस हो गया भाई। नालायक किसी काम का नहीं है, जल्दी से अंडरटेकर को लेकर आ जाओ। लेकर आ जाओ उसे। थैंक्स भाई। अरे अंडरटेकर कहाँ गया, आया नहीं क्या वो? ए जनक कभी आए आप? मेरी मेहनत के पैसे तू अपनी मूवी के लिए खर्च कर रहा है? डीएसपी के बेटे को क्यों मार रहा था तू? पुलिस स्टेशन में मेरी नाक कटा के रख दी है तूने? क्यों मार रहे हो? अरे तुम्हें पता है इसने क्या किया? क्या किया है? डीएसपी के बेटे को मार रहा था। डीएसपी होगा, मेरे लिए नहीं है। उल्टा जवाब देता है। शांत हो जाइए, अब जाकर कपड़े बदलिए, जाइए ना। चुप रहना, आप जाइए जी। माता, ऑमलेट में मिर्ची पाउडर जरा अच्छे से मिक्स करके देना। डीएसपी के बेटे को तूने क्यों मारा? क्या माँ, आप भी आपके पति के जैसे ही बन रही हो, आपको पता भी है क्या हुआ? क्या किया था? वो डीएसपी का बेटा अपने रेणुका की फोटो चुपके से निकालकर सारे दोस्तों को सेंड कर रहा था। बेचारी वो लड़की आकर मेरे सामने रोने लगी, इसलिए उस बदमाश को मैंने पूरी कॉलोनी में घुमा कर मारा। अरे मेरा प्यारा बच्चा। मम्मा ऑमलेट, मम्मा ऑमलेट, ये ले खा। अगर तुझे गुनहगारों को सजा देना ही है तो पहले आईपीएस पास हो जा, फिर मारना उनको। आईपीएस? और मैं? देख लिया माँ, मैं हेड कांस्टेबल का बेटा बनकर जीना चाहता हूँ, और ये है कि आईपीएस के पिता बनकर जीना चाहते हैं। कितने स्वार्थी है पिताजी आप। उन दिनों मेरे पिताजी की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। हाँ, मेरे दादाजी पढ़ाना चाहते होंगे, आपने पढ़ाई छोड़कर मौज मस्ती की होगी। ए, क्या ये अपने बाप से जबान लड़ाता है? तो आप क्यों अपने बेटे के साथ ऐसे बात कर रहे हैं? ये क्या माँ, जब ऑमलेट खाते समय ये मुझे कुछ न कुछ चौंकते रहते, बोलते रहते, मैं नाराज हूँ, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। कांस्टेबल की जेब से निकाल दिए, कल बड़ा एक्टर बनने के बाद सिंगल चेक से पूरा पेमेंट कर दूंगा। क्या होगा इसका, पुलिस वाला बनने की जगह ये फिल्मों की बात करता है? ये सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन उसे आपके जैसे तो मुझे बिल्कुल नहीं बनाना है। अरे तुम भी उसका सपोर्ट कर रही हो? आज तक हमारे खानदान से कोई भी फिल्मों में गया है क्या? सुनिए जी, तुम्हारे जैसे ये कांस्टेबल वेंकट राव का बेटा फिल्म लाइन में जाकर आज बड़ा स्टार है। ये सब तुमसे किसने कहा? हाँ। ये बात गब्बर सिंह ऑडियो लॉन्च में पवन कल्याण ने बताया। एक साधारण पुलिस कांस्टेबल का बेटा आज हम लोगों के बीच अपनी मेहनत और प्रतिभा की वजह से आदर्श बना हुआ है। तो फिल्मों के भूत ने तुम्हें भी पकड़ लिया? नहीं जी, फिल्मों का भूत नहीं, मैं तो सिर्फ टीवी सीरियल देखती हूँ। अरे मेरा सीरियल स्टार्ट हो गया, मैं जा रही हूँ। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं सुधरने वाले। पालक का साग 3 रुपए का, धनिया पत्ती 4 रुपए की, 55 रुपए कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? ए दोस्त, ये क्या है भाई? यारे आज की गधा मजूरी हो गई तुम्हारी? गधा मजूरी तो हो गई भाई, पूरा हिसाब करने के बाद 5 रुपए कम पड़ रहे हैं। अगर बुड्ढी को पता चल गया तो मेरी खाल उधेड़ लेगी। उसी के पान मसाले के लिए खर्च हो गए होंगे। हाँ माँ, बोलो माँ, बोलो। मिल जाएगा माँ, पूरा मिल जाएगा। 28 रुपए का हिसाब मिल गया माँ, 2 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। शायद मैंने वो 2 रुपए पान वाले को दिया है माँ। आप टेंशन मत लो और मुझे भी मत दो, मैं पूरा हिसाब करके आपको बताऊंगा माँ। हाँ माँ, हाँ बताऊंगा। ये माँ है कि कसाई। अरे भाई इसको ऐसे ही मत छोड़ना, इसको दिन भर खाने के लिए गुटखा और पीने के लिए वोडका चाहिए, इसके पीछे तो पुलिस के कुत्ते छोड़ने चाहिए। ये तो आतंकवादियों से भी ज्यादा टॉर्चर करती है मुझे, इसका क्या करूं मैं? अरे तूने फोन काटा ही नहीं है। सच में? हाँ मैंने आपको नहीं बोला माँ। संजी माँ, ये क्या पागलपन है, बर्बाद कर रही हो, मैंने आपको थोड़ी बोला। आप तो मेरी प्यारी माँ हो, प्यारी माँ, मेरी जान हो, मैंने आपको नहीं कहा माँ। अरे तेरी ड्रेस उतर गई समझ ले, तुझे नहीं छोड़ने वाली वो। सच में भाई? पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर पीयून की नौकरी करने में तुझे शर्म नहीं आती? कभी मौका ही नहीं मिला भाई। ये क्या, सब लोग नए कपड़े पहनकर रेडी क्यों हो गए हो? भाई सुनो, हमें अभी खबर मिली है कि चौबे नगर के कमिश्नर ट्रांसफर होकर हमारे शहर में आ रहे हैं। तो उनको क्या हैप्पी बर्थडे विश करने जाना है क्या? जी। उनकी एक सुंदर सी लड़की है, बिल्कुल अप्सरा जैसी दिखती है। उर्वशी लगती है भाई, एकदम कटरीना जैसी लगती है, चित्तौड़ की रानी जैसी है। सच में? सच में। जाओ 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 जाओ, चलो चलो चलो, मुझे सेट करने दो।
से शादी कर लो। नहीं नहीं प्लीज प्लीज मेरे पीछे मत आना। ड्रेस चेंज, लाइट्स गॉन, ओ पागल, फिर से सपना दिख रहा था। सर सर, हम लोग अभी ही आए हैं सर, 10 मिनट में आ जाएंगे। सुनो बेटी, ये सामान घर में शिफ्ट करवा दो, मैं स्टेशन होकर आता हूँ। ठीक है पिताजी, इतना सारा सामान कैसे शिफ्ट करवाऊँ? ये कौन है जो यहाँ फालतू बैठा हुआ है? अब इस पूरे सामान को अंदर रखवाने के लिए आदमी ढूंढ रही है ना? सही कहा आपने। जस्ट अ मिनट, साइड प्लीज। चलो ड्यूटी पे लगो। काम कंप्लीट हो गया। आई कब तक मेरी भी सेटिंग करा दो ना इससे। करा दो बेटा। भाई मेरी सेटिंग करा दो ना। मेरी बहन की तरह रखूंगा, जा। ये लोग कौन है? पैकेज एंड मूवर्स है क्या? लवर्स इन क्वार्टर्स। यानी बाद में बताऊंगा सेनोरिटा। थैंक यू। हां आप पूर्णिमा, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया क्या है? एनेस्थीसिया आपका सरनेम है क्या? अरे नहीं नहीं, ये नाम नहीं है, ये डेजिग्नेशन है। मालूम नहीं है तो अपने मुंह को बंद रखना। एनेस्थीसिया एशिया में बड़ी ही कंपनी है जो आईबीएम के बाजू में है। सॉफ्टवेयर है आईबीएम। विप्रो, विप्रो, इंफोसिस। हेलो हेलो, अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं, एनेस्थीसिया ऑपरेशन से पहले पेशेंट को लगाया जाता है। डॉक्टर है यार? डॉक्टर ही है पर डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर जैसी डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर के बीच में छोटे डॉक्टर के ऊपर ऑलमोस्ट डॉक्टर है, तो डॉक्टर भी मान सकते हो। कंपाउंडर, कंपाउंडर से थोड़ी ऊपर है। तो नर्स, बड़ी नर्स है। कौन है जिसने तुम लोगों को पढ़ाया है? ओशो। वो कौन है? फुटबॉल प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है। ओहो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अभी तो पॉइंट पर आ गई है। जस्ट अ वेट, वैसे भी देश में लड़कियों की कमी हो गई है और हमारे कॉलेज में तो बहुत ज्यादा कम है, इसलिए अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड को सिलेक्ट करना हो तो हम में से सिलेक्ट करना होगा, हम में ही चुनना होगा। ये हमारा बनाया हुआ रूल है, हमारा लिखा करोड़ पुराण है। छोड़ दो, डिवोर्स दे दो उसे। डरा रहे हो क्या? मैं कौन हूँ जानते हो तुम? कौन है? डॉटर ऑफ ऐसा है। अरे हम क्या चोर के बच्चे हैं भाई, हम भी तो पुलिस के ही बच्चे हैं। तुझे एक बात पता है क्या, मैं पैदा ही पुलिस स्टेशन में हुआ था। वो जो चौथा सिंह है ना, वो तो मैं ही हूँ। तुम सच में डॉक्टर? ओके ठीक है, बताने का तरीका तो बकवास था पर कॉन्सेप्ट नया था। मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ। ये लड़की पट जाएगी क्या भाई? लड़की तो जरूर पटेगी। ए तुम जाओ रे, लड़की मुझको पटेगी, जाओ जाओ। हाँ माँ, हाँ वो गुंडा माणिक। रिसेंटली एक लड़की को किडनैप करके उसका रेप किया है उसने। ये सब किसी टीवी रिपोर्टर के बताने तक तुझे पता ही नहीं चला? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? किसी ने भी पर्सनली आके कंप्लेंट नहीं की सर। एक काम करो, उस गुंडे माणिक का फोटो स्टेशन में रखो और उस फोटो की रोज पूजा करो, भजन करो, ऑन ड्यूटी करो, तुम सबको मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा। शर्म नहीं आती सर? कहते हो एक मिनट सर। माणिक के नाम पर धंधा करना, औरतों की मदद से लड़कियों को टारगेट करना, छोटा सा गैंग तैयार करके चेन स्नैचिंग करवाना, कॉलेज के स्टूडेंट्स को बेटिंग का लालच दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करना, घर के ओनर को कर्जा देकर ब्याज के नाम पर डराना, ना माने तो मर्डर करना, ये सब केस माणिक पर चल रहे हैं सर। इतने सारे केसेस सर, स्मॉल रिक्वेस्ट सर, जनता भी चैन की नींद सोएगी और हमारे डिपार्टमेंट को भी आराम मिल जाएगा, क्यों ना हम इसका चुपचाप एनकाउंटर कर दें। मैंने परमिशन ले ली है, उसे उड़ा दो। परसों इंडिया पाकिस्तान मैच है, सब मैच देखने में बिजी होंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसे उसी दिन खत्म करो, सारी फॉर्मेलिटीज फॉलो करो। माणिक का एनकाउंटर करने की परमिशन ऊपर से मिल गई, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल है। रणवीर सिंह तुम अपनी टीम के साथ काम करोगे और शिव प्रसाद तुम्हारी टीम में रहेगा। क्यों शिव प्रसाद, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें इनकी टीम के साथ काम करना है। यस सर। सर, ये एजेड पर्सन है, ये इस केस में क्या करेंगे? तुम उनको एज की नजर से मत देखो, एक्सपीरियंस की नजर से देखो। जब तुम उसे घेर के एनकाउंटर करोगे तो भीड़ को कौन संभालेगा? वही संभालेंगे,
ये ऑपरेशन सक्सेस हुआ तो उनको भी प्रमोशन मिलेगा। डिटेल्स लेके अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करो। यू मे गो। ओके सर। सर पी लो सोना डार्लिंग, ऑरेंज जूस। इसे पीने से स्किन अच्छी होती है और तू अच्छी लगेगी तो मेरे कस्टमर्स बढ़ेंगे। जानती हो ना इस जूस के कितने फायदे होते हैं। लो पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो चल पी। नमस्ते डीएसपी सर, कैसे याद किया? कुछ नहीं मानिक, जिस लड़की का तूने रेप किया वो प्रेग्नेंट है, तो होने वाले बच्चे का क्या नाम रखना है ये जानने के लिए फोन किया था मैंने। बड़े लोग हो गए हो भाई तुम तो। अब मुझे ऊपर से परमिशन मिल गई है कि तुम जहां भी नजर आए तुम्हारा फौरन एनकाउंटर कर दिया जाए। सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? आप ही ने तो कहा था कि रेप के बाद उस लड़की को आपके बेटे के पास छोड़ दूं। हेमा मैं जा रहा हूं। तुझे पता है ये मेरा ऑफिशियल फोन है? क्या करा था तू इसके साथ हा? अबे गधे कहीं के, तुझसे फोन पे मैं बात कर रहा हूँ या मेरा बेटा बात कर रहा है इस बात का पता नहीं चलता क्या? अभी भी फोन पे आपसे बात कर रहा हूँ या आपके बेटे से बात कर रहा हूँ पता ही नहीं चल रहा है। ज्यादा मजाक मत कर। सॉरी सर, आप ही बताइए मैं क्या करूँ। रुक जाओ। क्या चाहिए? हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, रुको। हमारे कॉलोनी की लड़कियों पर लाइन मारता है तू? वो किसे मार रहा है? बाहर का लड़का हमारी कॉलोनी की लड़की को छेड़ रहा था इसीलिए उसको मार रहा है। 100 डिग्री देता हूँ तुझे, बर्फ पे बिठा दूंगा नंगा करके। चल तू लाइन मारेगा तो हम कहाँ जाएंगे बे? भाई आ रहे हैं, स्क्रिप्ट तो साइड में हो जाओ। आ जाओ आ जाओ। ए हट जाओ। क्यों रे, दे दिया कि नहीं? हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं भाई, ये लो। इस पर इतनी धूल क्यों है? ये धूल नहीं है, इतने दिनों तक इन छोटे छोटे लेटर्स में अपने दिल की बात लिख कर रखी हुई है, पढ़ लो इसे। लव लेटर? हाँ। पर ये तो वेडिंग कार्ड जैसा है। ये हमारे बच्चों की क्रिएटिविटी है। पर ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है? मैंने अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए इसमें फेविकोल लगा दिया है। मोर क्रिएटिविटी, ये लड़की तेरी ही है भाई। अच्छा सबने अपने अपने लेटर्स रख दिए ना? इन सारे लेटर्स को लेकर अपने घर चली जाना, फिर शांति से अपने हृदय से पढ़कर इन सारे लवर्स में से किसी एक को पसंद कर लेना। इसमें आपका लेटर नहीं है? नहीं, हमारे घर में प्रेम विवाह मानेंगे नहीं। मैं तो सिर्फ बड़ों के पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा क्योंकि हमारा परिवार बहुत संस्कारी है। नमस्कार भैया। नमस्ते। अच्छा तो इसीलिए ब्रोकर का काम कर रहे हो? हमारे भाई को ब्रोकर बोलती हो? इनका चेहरा देखो, कितने भोले इंसान है। इस कॉलोनी के कई लवर्स को भाई ने मिलाया है और तुम इन्हें ब्रोकर बोल रही हो? हमारे भाई का इतना प्यारा चेहरा ब्रोकर दिखता है आपको? दुनिया में बहुत ब्रोकर होंगे पर हमारा भाई ब्रोकर नहीं है। हाँ भाई तुम ब्रोकर नहीं हो, नहीं हो ब्रोकर। रोना मत भाई, रोना मत। आप ब्रोकर नहीं हो भाई। आप ब्रोकर कैसे हो गए भाई? असल में कौन से एंगल से ब्रोकर हो आप? आप कैसे ब्रोकर लगते हैं क्या भाई बताइए? अरे उसके बोलने पर मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ पर तुम लोगों ने मुझे ब्रोकर कहा इसलिए मुझे ज्यादा दुख हुआ। अरे भाई वो देखो जा रही है। जाने दे, बाउंड्री पार हुई बॉल को कभी ना कभी ग्राउंड में आना ही होता है। भाई आप इतने अच्छे दिखते हो और आपको ब्रोकर कह के चली गई। किसने? अरे वही ब्रोकर का, तूने भी ब्रोकर का, तू भी चल। मेरी बाइक चलाने की स्टाइल को देखकर सारी नर्स मुझे जॉन अब्राहम समझती हैं। तुम भी ऐसा समझती हो क्या? वाओ, तुम्हारे घर का लोकेशन तो बहुत अच्छा है। इसे देखने के लिए तो मैं बार बार तुम्हारे घर आने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें चलेगा? राजू एनीवे थैंक यू। हे थैंक यू बोलकर हमारे बीच की दूरी मत बढ़ाओ प्लीज। अब मुझे चाय या कॉफी पिलाने के लिए घर ले चलने के लिए मत कहना प्लीज। सो सॉरी आई फॉरगॉट, मेरे साथ घर चलो। hey, वैसे मैं किसी के घर पर लंच या डिनर के लिए नहीं जाता हूँ पर तुम कहती हो तो ठीक है, लेट्स रॉक यार। राजू तुम पहले अपनी बाइक स्टार्ट करो। क्या हुआ? और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ प्लीज। hey, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो जैसे कोई भूकंप या सुनामी आ गया हो? बाप रे,
ये लोग कहाँ से आ गए? ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाय। कौन है बे तू हमारी कॉलोनी में आने वाला? मेरी गाड़ी संभाल के रख लेना, मैं बाद में ले लूंगा। अरे तेरी बच्ची तो हमारे कॉलेज की लड़कियों पर स्टॉप। नाम क्या है तेरा? डॉक्टर राजू। राजू क्या लड़की को बेच रहा था काजू? उसकी स्कूटी पंचर हो गई तो उसने मुझे ड्रॉप करने के लिए कहा। रास्ते में स्पीड ब्रेकर आए थे क्या? आए थे। सडनली ब्रेक लगाए थे क्या? ब्रेक तो ये पता नहीं रहा, ब्रेक तो लगाया होगा इसने। भाई मैंने ब्रेक नहीं लगाया भाई। अब बता वो लड़की तेरी क्या लगती है? कलीग नहीं हो सकती। जूनियर बिल्कुल नहीं हो सकती। फ्रेंड भाई ये झूठ बोल रहा है, असली बात नहीं बता रहा है, इसकी पिटाई करनी ही पड़ेगी। भाई 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 आप खुद ही बता दीजिए कि मुझे क्या कहना है। अब सही रास्ते पर है बहन। अच्छा प्यारी बहन, बहुत अच्छा, बहुत प्यारी बहन, बहुत अच्छा लगा। सेंटीमेंट भी अच्छा है, मैं उसकी रक्षा करूंगा भाई। इस बार किसी लड़की को चुनेगा तो अपने ही फील्ड की किसी लड़की को चुनेगा। भाई पूर्णिमा हमारे ही फील्ड से है ना? अरे रे 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 गलत रास्ते पर चला गया तू। हमने कभी तेरे हॉस्पिटल में आकर तुम लोगों के नर्स या डॉक्टर पर लाइन मारी तो तुझे कैसा लगेगा बता बे? अरे भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों को फर्क पड़ता है ना बे छछंदर। फोन निकल। अरे भाई वो आईफोन है। आईफोन है क्या तेरा? भाई भाई मुझे घर तक ड्रॉप कर दो ना। ए पूर्णिमा अपने इस भाई को फोन करना जरा। मुझे घर तक ड्रॉप कर दो ना। जिंदगी भर ये तेरी रिंगटोन बन के रहेगी। अगर फोन साइलेंट पे हो तो तू साइलेंट मोड पे चला जाएगा। okay, okay. एक बार अपने बहन के सामने मुझे ड्रॉप कर दे। चलो ये धक्कर 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 धक्कर। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हा? ये तो अपनी कॉलोनी का रूल है। ये मेरे सीनियर हैं। इसलिए तो इसे भाई बनाया तेरा। देखो मुझे गुस्सा आ रहा है। इस उम्र में बॉयफ्रेंड नहीं है तो गुस्सा आएगा ना। हमारे भाई का दिल तोड़ कर कहाँ जा रही हो? ए छोरी रुक, हम भी तो आ रहे हैं। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं हो गया है मुझे। उसके दोस्तों के सामने उसे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? पता है तब से नाराज होकर अंदर बैठा है। मारूंगा नहीं तो और क्या करूंगा? अब तक तो सिर्फ एक्टिंग करके ही मेरी इज्जत निकाल रहा था, आज तो हद हो गई। कॉलेज में लड़कियों के पीछे पागलों जैसी हरकतें कर रहा था वो। हाँ तो उसे मारने से आपकी इज्जत वापस आ जाएगी क्या? उसे मारकर गलत तो आपने किया। चुप रहो, मुझे उसे मारने की जगह तुम्हें मारना चाहिए। तुम्हारे सपोर्ट की वजह से ही वो बिगड़ा है। पता है डेली में पुलिस स्टेशन में अपने से कम उम्र के अफसर को सैल्यूट मारता रहता हूँ। अगर वो पढ़ लिख के अफसर बन जाता तो मैं उसे गर्व से सैल्यूट करके रिटायर हो जाता। उसे तुम्हारे जैसे पुलिस वाला नहीं बनना है, वो एक्टिंग करके हीरो बनना चाहता है। कैसी एक्टिंग? सुन सुन के थक चुका हूँ। एक्टिंग करेगा? उसकी पसंद के बारे में सोचा है कभी आपने? वो बचपन से एक्टिंग करना चाहता है, ये बात अच्छे से जानते हैं आप। वो एक्टिंग करता है और आप पुलिस करते हैं। देखो फिल्मों के पीछे भागेगा तो उसका जिंदगी में कुछ नहीं होगा। वो अगर एक्टर बन के दिखा दे तो मैं अपना नाम बदल दूं। माँ तुम यहाँ बैठो ना सर। आपको तो मुझ पर भरोसा नहीं है ना पापा? आइए पापा बैठो बैठो। माँ बस एक बार एक्शन बोल देना। क्या है? अब वो उसने फोटोशूट के लिए 5,000 रुपए मांगे थे तो उसे दे देना। मेरा ही बेटा है क्या? तुम नहीं दोगी तो क्या हुआ? मैं नहीं दे पाऊंगा क्या उसे? अरे मेरा बेटा है वो, मैं खुद ही दे दूंगा। हाँ मैं दे दूंगा उसे। Thank you.
विजय तुम इस तरफ जाओ। ओके। नेम जी तुम उस तरफ। ओके सर। ए राजेंद्र सर तुम सामने जाओ। ए टारगेट मिस नहीं होना चाहिए। कर दिया। वेरी गुड। आपके लिए तो गुड है पर मेरे लिए क्या है? तू एक काम करना मंदिर चला जा, जब तक लौटेगा तेरा केस क्लोज हो जाएगा। सर सब कुछ आपके हाथ में ही है। तेरे पास और कोई चारा है क्या? आप तो चुपचाप फोन रख दे। बंगारू जंगल में एक अनहोनी मोस्ट वांटेड माणिक को पकड़ने के लिए जब पुलिस दल बंगारू पालम के मोगली घाट पे गई तो वहाँ हुए गन शूट में माणिक के हेड कांस्टेबल शिवा प्रसाद को चाकू से मारकर फरार हो गया। शिवा प्रसाद को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की गई पर उनका देहांत रास्ते में ही हो गया। इस घटना में माणिक के दो साथी भी मारे गए। क्यों जी, आजकल मेरे पीछे बहुत अच्छे अच्छे काम करने लग गए हो, देख रही हूँ मैं। तो नहीं करें क्या? ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू यहाँ पर? मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरे बच्चे को बताइए तो सही, किया क्या मेरे बच्चे ने? मेरे पीछे से इसने मेरा फोन लेकर एक लड़की को किडनैप करके उसका रेप किया और ये काम इसने माणिक के साथ मिलकर किया। ये रेप करता है, किडनैप करवाता है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आप रुकिए जी, वो छोटा है अभी, अचानक में गलती हो गई होगी तो क्या आप उसे मार डालेंगे? जब उस नौटंकी राम ने इसको पीटा था ना तो मैंने उसके बाप को बहुत डांटा था। असल में उस समय हुआ क्या था पता है तुझे? नमस्कार सर। तुम लोग समझते क्या हो अपने आपको? एक नौटंकी करने वाले को पैदा करके उससे मोहल्ले में दंगे करवा रहा है, अपनी औकात भूल गया क्या? ए, ये तेरे लिए लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है। अगली बार अगर तेरे बेटे ने मेरे बेटे के साथ झगड़ा किया ना तो उसे बीच रास्ते में भगा भगा के पिटवाऊंगा मैं, सुन ले। आवाज बंद करो, सीनियर ऑफिसर हो ये सोचकर मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। मेरा बेटा ड्रामेबाज होगा पर तेरा बेटा तो लड़कियों का रेप करता है और तेरी बीवी लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन का व्यापार करवाती है। तू माणिक के साथ मिलकर काले धंधे करता है। सारी इंफॉर्मेशन की फाइल बनाकर मैं कमिश्नर से मिलने वाला हूँ। अगर आप कभी भी मेरे बेटे के बारे में अनाप शनाप बोला बुला दूंगा, तू मेरा सीनियर है, तुझे जेल करवा दूंगा। मेरा बेटा खरा सोना है और तेरा छू। मेरे नीचे काम करने वाले शिव प्रसाद ने चुपके से हमारे सारे कारनामे नोट कर रखे थे। अगर वो फाइल एसपी तक पहुंच गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी और तेरे बेटे को जेल हो जाएगी, इसलिए माणिक की मदद से मैंने उसे उड़ा दिया। चलिए अच्छा हुआ, इससे वो फैमिली सोसाइटी से भी चली जाएगी और मेरा बेटा आराम से रह पाएगा। बस करो, थोड़ी देर में यहाँ लाश आ जाएगी, आंसू उसके लिए बचा के रखो। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ ओके सर, डेफिनेटली आई विल टेक केयर ऑफ इट सर, मैं अभी आ जाऊंगा सर। ओके ओके, मैं अभी आ जाऊंगा सर। ओके सॉरी सॉरी। भेजे में कुछ अकल है कि नहीं? किसने कहा था एक एजेड पर्सन को एनकाउंटर पर भेजने को? सर प्रमोशन के लालच में भेज दिया।
प्रमोशन या तुम्हारा सर। 2 साल में वो रिटायर होने वाले थे, फिर तो ऑटोमेटिकली उन्हें ESI की पोस्ट मिल जाती, ये भी तुम्हें पता नहीं। कहानी सुना रहे कहानी। माणिक का क्या हुआ? उसे पकड़ने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। पहले वो काम करो। एक जानवर के लिए गाय की बलि चढ़ा दी है। बॉडी कहाँ है? पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी सर। कितने बच्चे? एक ही लड़का है सर। गाड़ी निकालो। कुछ भी हुआ उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट बहुत दुखी है। आपने अपने घर के सदस्य को डिपार्टमेंट में एक ईमानदार अफसर बनाया। तुम्हारे पापा ईमानदार थे, वो तो इतने सारे लोगों को देखकर ही पता चलता है। तुम्हारे पिता के वीर गति व्यर्थ नहीं जाए। डिपार्टमेंट की तरफ से हम तुम्हारे लिए ये जॉब ऑफर करते हैं। अरे बेटा क्या हुआ? मुझे एक बार पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के दिखा देना। वो वॉचमैन वाली ड्रेस, वॉचमैन वाली ड्रेस, वॉचमैन वाली ड्रेस। मुझे लगा था वो लोग सोसाइटी छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन इस ऑफिसर ने पूरा सत्यानाश कर दिया। अरे कोई बात नहीं, मैं 1 महीने में उसको ऐसे टॉर्चर करूंगा कि खुद नौकरी छोड़ के चला जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ अरे ओ बेवकूफ, अब वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, उसके साथ झगड़ा मत करना। तू पुलिस वाला बन गया? डर मत, मैं हूँ। Oh,
अरे बाप रे, तेरी स्टाइल को दिल्ली भी सलाम करेंगे। ए टकले, तू कौन है? लुंगी पहन के यहाँ क्या कर रहा है? सर, नाम भूपेंद्र है सर, मैं यहाँ का ऐसा ही हूँ सर। ऐसा है सर, सॉरी सर। सर, मैं स्टेशन का नया कांस्टेबल हूँ, कांस्टेबल मिस्टर राम, रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। तो तू कांस्टेबल है? सन ऑफ मिस्टर शिव प्रसाद, श्री रामपुर, भरत नगर पोस्ट, जानकी जिला, महाराष्ट्र, रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। सर, आपके टकले में से बहुत सारा धुआं निकल रहा है सर। तू तो आईपीएस ऑफिसर जैसा बिल्डअप दे रहा था, और वो लड़के कौन है? सर, वो लड़के नहीं है, गुंडे मवाली है सर। रास्ते में लड़कियों को टीजिंग कर रहे थे, हिम्मत करके उनको पकड़ा है सर, सलाखों के अंदर डाला है। आई एम ऑन ड्यूटी सर। अरे भाई, तू पहले सर सर बोलना बंद कर, नहीं तो मुझे अटैक आ जाएगा। ए कमलेश कुमार, ऑन ड्यूटी सर। अरे भाई, तुझे ड्यूटी पर बैठकर मजा आएगा। अरे चुप हो जा। ये ऐसे ड्यूटी करेगा तो कैसे चलेगा? इसे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। ये क्या, आखिर ये कपड़े क्यों? सर, ये नए कपड़े हैं सर, दो दिन पहले ही सिलवाए हैं। चेकिंग ड्रेस, पहले इसका ड्रेस बदलवा। क्यों दे रहे हैं सर? सर सर सर, अच्छा ये कांस्टेबल कर रहे हैं सर, इस ड्रेस में ये स्मार्ट लग रहा है, क्यों बदलवा रहे हैं? रहने दीजिए ना। बाप रे, अरे ए, सुन रहे, डीएसपी के लिए कॉफी और मेरे लिए चाय लेके। ना ना ना, मैं डाइट पे हूँ, ग्रीन टी बोल देना। पहले तुम जाके डीएसपी के घर सब्जी पहुँचा कर। अरे सब्जी मैं लेकर आऊँ? हाँ, तू ही जाएगा। तुझे ही? मैं सामान उठाऊँ? कॉलेज में मैं बड़ा हीरो था, दो गोल्ड मेडल्स, कॉलेज का कल्चर। ये सब यहाँ नहीं, अभी ये सब्जी लेकर जा। तो कल से? तो कल से प्रमोशन हो जाएगा। कौन सा? चावल की बोरी उठानी होगी। चावल की गोनी? तू नसीब वाला है कि तुझे बस सब्जी ले जानी है। मुझे तो पुलिस के कुत्तों को पेशाब करवाना पड़ता था, उनकी साफ सफाई करनी पड़ती थी यार, उससे बेहतर यह है ले जा। कुछ भी बोल, मैं ये सब नहीं करने वाला। चल जा। नहीं करूंगा। कहाँ ना जा? नहीं जाऊंगा। जाता है कि नहीं जाऊंगा? मैंने एक बार कह दिया ना तुमसे। कहाँ फंसा दे? जग्गू आ रहा है। अरे भाई, ड्यूटी ज्वाइन कर ली है क्या? अभी ड्रेस अच्छा है ना? कोई देख ले उसे, पहले खिसकते हैं। इस गली में से जाऊंगा तो कोई भी नहीं देख सकता। भाई भाई, आप सब्जी उठा के लेके जा रहे हो? उठा कर नहीं ले जा रहा हूँ, लेकर जा रहा हूँ इसे। दोनों में क्या फर्क है भाई? उठाने से नौकर बनूंगा, लेकर जाने से जिम्मेदार इंसान। हाँ भाई, असल में कृष्ण भगवान ने गीता में ये सब कुछ लिखा है। भाई भाई साहब, मैं सुनते हैं भाई, डीएसपी जी का घर इस तरफ नहीं भाई, उस तरफ है भाई। हाँ भाई, इससे सब कुछ कैसे पता चल गया? मेरे पापा भी यही काम करते थे भाई। ये हर घर की यही कहानी है। आया था तो सुपरस्टार बनके, जा रहा है तो सुपरमार्केट बनके। भाई साहब को अब सब समझ आ गया। चल अब छोड़ना, पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। 2 लाख सेट करो। ये अरे भाई, लगता है घर में कोई बड़ा ऑफिसर आया है। आया, हम बेटिंग कर रहे हैं इसलिए अरेस्ट करने आए हैं शायद। दोस्तों, कहीं तुम्हें डोरबेल सुनाई दे रही है क्या? मुझे तो कोई रोता हुआ दिख रहा है भाई। क्यों रे, इतनी देर से बेल बज रही है, सुनाई नहीं देता क्या? हाँ, तुम हो, क्या है? ये देने आया हूँ। सामने बैठा मेरा बेटा दिखाई नहीं दिया? सर ये लीजिए कहकर दे देते ना। माँ, कोक चाहिए मुझे। मेरे बेटे को कोक चाहिए, जल्दी लेकर आओ। कोक नहीं, स्कॉच लेके आओ। पैसे दे दे। पैसे मांग रहा है, वो भी हमसे। लग रहा है सैलरी नहीं मिली इसे। जाके पुलिस स्टेशन से लेने मिल जाएगी। घर भी भीख प्यार से मांगता है, तू तो बड़े हक से मांग रहा है। वैसे उसमें और तुझमें कोई फर्क नहीं। इतना घमंड है तुझे? मरे हुए बाप की नौकरी पाकर तू हम पर कमेंट पास करता है? जा, पहले किससे कैसी बात करनी है जाकर सीख कर आ, फिर बात करना। जा जा यहाँ से। अरे बाप रे, ये तो गेट ही तोड़ेगा। रुक रुक, क्या हुआ भाई? अब भी इस्तीफा दे दूंगा मैं। क्या भाई? और तू देखना, वापस आकर उस माँ और बेटे को गली गली घुमाकर नहीं माराना तो मेरा नाम भी राम नहीं। मैं समझ गया। मैंने अपने पापा के लिए ये वर्दी पहनी है, इन जैसे घटिया इंसानों के तलवे चाटने के लिए नहीं पहनी।
उसने मारा क्या? देख देख देख, पापा के लिए तूने वर्दी पहनी है और माँ के लिए ड्यूटी करनी पड़ेगी यार। ए, एक पुलिस वाले की क्या ताकत होती है, मैं तुझे दिखाता हूँ। अपने इस गुस्से को वहाँ दिखा, आ जा। पेट में गैस और दिल में दर्द छुपा कर नहीं रखना चाहिए। अरे रोड पर गाड़ी खड़ी करके फोन पर बात कर रहा है? गाड़ी पार्किंग में खड़ी है सर। फोन पे लगा रहेगा, कोई गाड़ी आकर तुझे ठोक देगी और पुलिस वाले को धंधे पर लगाएगा। चमक चल निकल यहाँ से। देख लिया ना भाई, तो हेलमेट नहीं है ऊपर से, दो की जगह तीन बैठे हुए हो। रुक बताता हूँ। देख लिया ना भाई तुमने, ये पुलिस का पावर है। देखा कैसे भगाया? उसके गाली देने से तू पुलिस की नौकरी छोड़ देगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुन, तू मेरे साथ एक महीना रहकर पुलिस की ट्रेनिंग ले ले, मैं तुझे कंप्लीट पुलिस ऑफिसर बना दूंगा। चल अब जल्दी से हंस दे। बहुत अच्छा, चल अब इससे थोड़ा अच्छा वाला हंस कर दिखा। पहले वाला ही अच्छा था। चल भाई, अगर तू मुझे फॉलो करेगा ना तो शेर बनकर रहेगा। नहीं, मुझे सीएम बनना है। वो सब छोड़, सामने ही भालू है। तू डीएसपी के बेटे के साथ झगड़ा करके आया? तुझे किसके साथ कैसे बात करनी है पता नहीं है? पर सर, वो मुझसे बड़ी बदतमीजी से। फिर उल्टा बोल रहा है। तू कल तक क्या था ये जरूरी नहीं है। तू आज क्या है सिर्फ वो देख। आज तू पुलिस वाला है, कांस्टेबल है सर। तुझे अपने सीनियर्स को इज्जत देनी है, उनके परिवार को भी इज्जत देनी है, समझा? शिव मंदिर जाकर सिर्फ शिव जी की प्रार्थना करते हो, गणेश जी को हाथ नहीं जोड़ते हो क्या? अब ये गणेश जी कौन है भाई? शिव जी की गोद में बैठते हैं ना। दिमाग मत खराब कर, गणेश जी मतलब डीएसपी के लड़के। अरे कमलेश कुमार। जी सर। तूने इसे ऐसी ट्रेनिंग दी है? ट्रेनिंग नहीं दी है सर। सामने ज्यादा मत बोल, मुझे पता है तुम दोनों गन और बुलेट जैसे हो, तुम ऐसे नहीं मानोगे। रामेश्वर। यस सर। इन दोनों में डिसिप्लिन की कमी है। यस सर। इन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, इन्हें बाहर के काम पर लगा दो। ये क्या सर, बाहर का काम दे रहे हैं? पुलिस स्टेशन के बाहर का काम, तभी तुम लोग सुधरोगे। चलो जाओ। चलो चलो सर, ये बराबर याद रहता है। चलो जाकर इसको ठीक से समझाओ, समझे? वो मुझ पर चिल्लाए जरूर, पर पुलिस स्टेशन के बाहर का काम मुझे दे दिया, मैं खुश हूँ। हाँ खुश है, बाहर जाकर क्रिकेट खेलना है क्या? बाहर धूप लगेगी, चक्कर खाकर गिर जाओगे। वो तुझे ऐश करने के लिए बाहर नहीं भेज रहे हैं, सजा दे रहे हैं। आधे घंटे में सब समझ जाएगा। चल अभी हम लोग वीआईपी ड्यूटी करने जा रहे हैं, समझा? ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ो। चलो रास्ते में खड़े मत हो जाओ, चलो आगे बढ़ो। चलो, चलो। कितनी बार समझाऊं, उधर से जा। अभी एनकाउंटर कर देता तुम्हारा मैं। कांस्टेबल है, ऐसा ही नहीं है। चल ए, इतनी कड़ी धूप में एजेंट लोगों को ऐसे रोड के बाजू में खड़े रहने की ड्यूटी देते हो, मुझे देखकर बहुत दुख हो रहा है। तेरे पापा भी ऐसे ही धूप में ड्यूटी करते थे। गुड न्यूज है, मेरी परशुराम शॉर्ट फिल्म है ना बेटा। धूप में खड़े रहने से इनकी तबीयत खराब हो गई है, जरा मेडिकल से जाकर तू इनके लिए दवा तो ले। क्या बोल रही हो माँ, सुबह से धूप में खड़े होकर शूटिंग की है मैंने, मुझे धूप ने कुछ नहीं किया। ये तो पुलिस स्टेशन में आराम से बैठे रहते हैं, तो इनको धूप कहाँ से लग गई? कुछ भी बोलती हो माँ, दवाई ला दे, ये कर दे। देख 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 देख, वीआईपी गाड़ी आ रही है, सावधान हो जा, सावधान हो जा। देख 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 देख, सामने गाड़ी आ गई। सैल्यूट कर, सैल्यूट कर, सैल्यूट कर सर। फिर एक गाड़ी आई, सैल्यूट कर सर। गाड़ियों को सलूट मारना पड़ रहा है सर। पर भाई अंदर कौन था ये तो बता मुझे। चाहे कोई भी हो, वीआईपी गाड़ी आई ना तो देखकर सलूट मारना है, यहाँ का रूल है। चल भाई, एक राइस प्लेट दे देना, चार चपाती और ये थोड़ी सी सब्जी, जल्दी दे दे। हेलो सर, सर सर बस खाने के लिए आया हूँ सर। सर हाँ, किसका फोन था? डीएसपी था भाई। और क्या चाहिए, आते ही डीएसपी के साथ उठना बैठना और लंच, इससे अच्छा खाना वहाँ मिलेगा वहीं खा लेना। ऐसा है क्या? अच्छा हुआ बता दिया, अब ये खाने से बच जाऊंगा मैं। ठीक है चलता हूँ मैं। इसका नाम आशा है जिसकी मैं बात कर रही थी, ये आपकी रिक्वायरमेंट 16 साल की लड़की, ये भी आपके लिए ही है। सर डीएसपी ने अर्जेंटली बुलाया था। सर अभी अर्जेंट मीटिंग में है अंदर, तू थोड़ी देर वेट करो। सर पानी मिलेगा पीने के लिए? यहाँ तो नहीं मिलेगा, उधर जाके देखो। सर सर खाना नहीं मिला क्या? चुप रे मोटे कहीं के। सर कहाँ गया था तू? सर डीएसपी सर ने बुलाया था। तुझे बुलाने के लिए आदमी भेजना पड़ेगा। सुनो पहले उस एक्यूज को लेकर कोर्ट जाओ, आते समय हॉस्पिटल में जो पोस्टमार्टम हो रहा है उसकी रिपोर्ट लेकर आना। हाँ ओके सर। सर वो जीप जीप नहीं मिलेगी, ऑटो से जाओ। जीप चाहिए, जीप बड़ा आया हीरो बनने। अरे आइए सर, अरे अरे जल्दी आइए सर। अरे क्या कर रहा है? अरे अरे हो गया क्या? दो मिनट रुको ना सर। हाँ आइए सर। और कितना टाइम लगेगा रिपोर्ट? ये सरकारी अस्पताल है भाई, यहाँ टाइम का कोई पता नहीं है, जाकर खुद ही पता कर लो। जाओ 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 जल्दी जाओ।
1, 2, 3। क्या भाई, पता चल गया ना अंदर क्या हो रहा है? अब फिर से अंदर जाओगे? यहाँ ये सब कॉमन है, हम सबके साथ हमेशा यही होता है। सर, रात में फुल क्वार्टर मारना, फिर सुबह ऐसे वॉमिटिंग करना, और इनके लिए स्पेशल खाना। क्या बकवास करता है, तुझे पुलिस की नौकरी बहुत आसान लगती है ना? जब तू करेगा तब समझ में आएगा। मैं तो कभी ये वॉचमैन की नौकरी नहीं करने वाला। मेरे दोस्त की पहली सैलरी है आज, मेरे दोस्त की पहली। क्यों भाई, सैलरी मिल गई क्या? हाँ। तो हमारी पार्टी? पहले माँ के लिए साड़ी खरीदूंगा। ए राम, सीआई की फैमिली घूमने जा रही है ना? हाँ। उन्हें स्टेशन छोड़ के आओ। हाँ, घर पे जाते उनके लिए फल भी लेके जाना। ए कमले, जल्दी आओ। सर आ रहा हूँ सर, पहले आप गाड़ी में बैठिए ना। बैठिए सर, बैठिए। जल्दी जाओ, सीआई के घर जा रहा है, पैसे संभालना। भाई केले सेब अंगूर सब आधे डजन देना। ये लीजिए सर। सर पैसे तो दे दो। अरे सीआई जी की फैमिली के लिए। ऐसे करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। बताया तो ना, सीआई जी की फैमिली के लिए। हाँ हाँ, ऐसे बड़े लोगों के नाम लेकर हमारा खून चूस रहे हो तुम लोग। राम गाड़ी में बैठो। सर माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना है। बाईपास में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, 10 मिनट में आ जाओगे, चलो बैठो। पर सर माँ को बोला ना बैठने को। ये सीआई की रिश्तेदार की गाड़ी है, इसमें काफी महंगा सामान है। जब तक क्रेन आकर इसे ले ना जाए तब तक यहीं पर तैनात रहना। कोई भी सामान गायब हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। इतना लेट क्यों हो गया बेटा? ठीक है, चल खाना लगाती हूँ, खा ले। ये भी कोई काम है क्या माँ? थोड़ी भी इज्जत नहीं देता कोई, कुत्ते से भी बदतर हालत है। अगर मैंने रिश्वत नहीं ली तो भी गालियां बकते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर्स के घर में जाकर सब्जी डिलीवर करनी पड़ती है। कोई बड़ा आने वाला है ये कहकर सुबह से शाम तक धूप में खड़ा रखते हैं, पर कोई भी नहीं आता। इतना ही क्या, एक गिलास पानी भी पीने को नहीं देते। ये क्या है माँ, अगर मुझे एक महीने में ये इस नौकरी से घिन होने लगी है तो पापा ने इतने साल कैसे झेला होगा? तुझे ये सब दुख ना उठाने पड़े इसलिए तेरे पापा तुझे इससे बड़ी पोस्ट में देखना चाहते थे। उनके लिए तो माँ मैंने अपने मन को मार के ये यूनिफॉर्म पहन लिया है। मुझे पापा सिर्फ पसंद नहीं थे, वो मेरी जान थे। भाई मेरे पापा की मौत नहीं हुई है, उन्हें मारा गया है। ये देख इन सब के बारे में पापा ने इंक्वायरी की थी। इन सब की गलतियों की पापा ने फाइल बना कर रखी, ये देखना। इसीलिए मेरे पापा को मारा और नाम दिया एनकाउंटर का। मैं सच कह रहा हूँ, मैं माँ की कसम खाकर कह रहा हूँ। ये देख ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हिप इंजरी इन द हार्ट, यानी उन्हें दिल में हुए छेद की वजह से, यानी किसी ने उन्हें दिल में जोर से चाकू भोंका था, इसकी वजह से उनकी मौत हुई। 60 साल के थे, बूढ़े हो चुके थे। उनको इतनी तकलीफ देकर जिन्होंने मारा है ना, वो इंसान नहीं, वो राक्षस है, राक्षस। अब मेरे पास इस फाइल में जिन जिन का नाम है ना, उन सबको सुबह तक खत्म करके उनके लाशों पर हार नहीं चढ़ाया ना, तो मेरा नाम राम नहीं, याद रखना तुम। तेरे पापा जब उन लोगों का कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे? वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं यार। क्या
वो सब बड़े लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने क्या हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं? बता, मेरे पापा ईमानदार थे कि नहीं? मेरे पापा अच्छे इंसान थे कि नहीं? उनकी ईमानदारी मुझे जीत दिलवाएगी। आंसू पोछ, आज से रोना नहीं है, आज से सिर्फ रुलाना है, एक एक को सबक सिखाना है। चल चल मेरे साथ, चल चल। वो मेरा केस देख, मत उठा यहाँ से। अरे 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 भाई भाई भाई, रुक रुक। खून का बदला खून से, जान की कीमत जान से, रेप का बदला रेप से। चल एक मिनट। नो, आई हेट दिस फोटो। छी छी, ये मुझे चाहिए, अच्छा लग रहा है। इतनी गंदी शक्ल है इसकी, शिट मैन। फिर भी मुझे चाहिए, मुझे दे दो सर। अरे रे 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 रे, सिर्फ इसे देखकर ऐसा हो गया तो फिर कश्मीरी एप्पल को देखेगा तो क्या होगा? रुक भाई, देखो 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 देखो, ये देखो। शाहर सर, सर ये मुझे दे दो, मुझे दे दो सर, मुझे चाहिए सर। एक चांस देके देखिए सर, मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा। क्या बात है, चाहिए यही चाहिए ना तुम लोगों को? मेरे पैर में तू कहाँ से आ गया? अरे छोड़ छोड़, छोड़। ये बाहर कैसे आ गया इतना सा? सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें सपोर्ट तो करूंगा, पर मेरी एक बात माननी पड़ेगी। उसे भगा भगा कर टॉर्चर करोगे? ये सब सिर्फ हम क्यों करें? क्योंकि उसने एक लड़की के इज्जत के साथ खेला है दोस्तों, तो पनिशमेंट भी सेम ही होनी चाहिए। सर आप टेंशन मत लो सर, हम उसे ही हिला के रखेंगे। ये हुई है बात, बहुत बढ़िया। Let's do celebration. जिंदगी में ऐसा मजा पहली बार आया है। थैंक यू बॉस। अगली बार ऐसा कुछ काम हो ठीक है तो हमें जरूर बताइएगा सर, बहुत पुण्य का काम। सर, जिंदगी में वो लड़कियों के साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। I love you. भाई तू सुपर है भाई, सुपर सुपर, बहुत अच्छा। बोलिए, हमें किसी को ऐसी सजा नहीं मिली होगी जो तूने उसे दी भाई। रेप के बदले रेप, तू नॉर्मल आदमी नहीं है भाई, कांस्टेबल के रूप में टाइगर है। मैं शेर हूँ, शेर। शेर ना? हाँ शेर है। आई अप्रिशिएट यू। बिल्कुल। अच्छा ये बता, अगला प्लान क्या है? जस्ट वेट। मम्मी की रम्मी। दुबई से शेख लोग मिलने आए हैं। मैं अभी आई हूँ। आइए शेख जी, आइए। आया आया। शेख जी, आपकी रिक्वायरमेंट बताइए मुझे। हमें 16 साल की ही लड़की चाहिए। अरे बुलबुल पेटी निकाल रहे। ओके गुलगुल। लक्ष्मी। अगर इस लड़की को हम दुबई लेकर जाएंगे तो बीच में पुलिस आ जाएगी, हमें टेंशन आ जाएगा, बुलबुल को ये आ जाएगा। शेख जी, पुलिस तो क्या, पुलिस का कुत्ता भी आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि डीएसपी की वाइफ भी इसमें पार्टनर है। नको नको, आपकी बातों पर बुलबुल को यकीन नहीं है। दीदी आपके चलने से मैटर सेटल हो जाएगा, चलिए ना। नमस्ते। मस्ते, 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 मस्ते। ये मुझे बहुत पसंद है। अरे बेवकूफ, ये अपने लिए नहीं है, बड़े सेट के लिए है।
वो लड़कियाँ आपकी ही है ना? हाँ जी। आप हमारे ऊपर, हम आपके ऊपर भरोसा तो कर सकते हैं ना? यहाँ से माल लेकर निकालने की जिम्मेदारी हमारी। दुबई पहुँचने तक कोई पुलिस आपको टच नहीं करेगी, ये सब हम पर छोड़ दीजिए। कल्याणी हाँ? जरा एक मिनट बाहर आना। तो मैडम जी हाँ? हमारे दुबई में बड़े बड़े सेठ के पास बड़े सूटकेस हैं। ऐसे सूटकेस आपको मिलेगा तो आप चलेंगी ना? हाँ, हाँ, चलेंगे ना। हाँ, फिर ठीक हम है। भी चलेंगे। हाँ, वो भी आएगी। औरत, ये जो लोग हैं मीडिया वाले हैं, सीक्रेट कैमरा लेकर आए हैं। दुबई की शेख नहीं है। तो अब क्या करें? अगर वो यहाँ से बच के निकल गए तो हम जेल में सड़ेंगे। भाई, प्लान पता चल गया, भागो। अगर हम पकड़े गए तो ये जिंदगी मिलेगा ना दोबारा? चल निकल ले। मोटी पहलवान जैसी औरतों, हटो। चारों तरफ से पकड़ के कंट्रोल मत करो, फ्यूजन में क्लैरिटी नहीं आएगी। क्या क्या समझती है? चट्टीमैन आ गया, अब मजा आएगा। अरे बुलबुल, मुझे उठा। कौन है रे तू? लड़कियों का सहारा, लड़कियों को बचाने आया ये द चट्टीमैन। संभाल के जाना। ओके, बाय बाय। भाई, आप बदल गए हो भाई। कौन, मैं? जॉब ज्वाइन करने के बाद आप सेल्फिश हो गए हो। हुआ क्या रे? उसको यहाँ आए हुए 9 महीने हो गए, अभी तक किसी के लेटर का जवाब नहीं दिया। सच में? हाँ भाई, भाई। अभी कहाँ पर है वो? ये क्या, राउंड अप करके गुंडागर्दी कर रहे हो? हाँ। तुम्हें 9 महीने हो गए हैं कॉल में आकर, इनमें से अभी तक किसी को तुमने हाँ नहीं बोला है, समझी तुम? आज हेड्स या टेल्स हो जाने दो। ओके बोल के चैप्टर को फिनिश कर दो। अगर नहीं बोला तो? थोड़ा घास पी लूंगा और थोड़ा बदन पे डाल लूंगा। हाँ? मैं जहर खा लूंगा। मैं ब्लीचिंग पाउडर खा लूंगा। हे भगवान, आज मुझे बोलने का मूड नहीं है, प्लीज गेट आउट। अरे तुमने हमें समझ क्या रखा है? इन सबको कोई काम धंधा नहीं है क्या? आज तुम्हें किसी न किसी को हाँ बोलना ही पड़ेगा, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। ठीक है ठीक है, किसी को भी हाँ बोलना है, बस इतना ही है ना? बस इतना ही है ना? तुम लोग सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। चलो सब लोग खड़े हो जाओ। चलो 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 चलो। या, वो क्या कर रहे हो? पागल कहीं के,
बस दो राउंड और फिर पूरे 100 हो जाएंगे। स्कूल में भी 100 राउंड, पार्क में भी 100 राउंड मम्मी। और नहीं तो क्या, मम्मी जैसे स्लिम और फिट रहना है तो इतना करना ही पड़ेगा। ए दोस्त, रेडी है ना? अरे भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पकड़े गए तो चटनी बन जाएगी। पकड़े जाएंगे। पूरे अपने बाप पर गई हो। 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. अरे भाई मैं मर गया। ऐसे अगर कोई चेन स्नैच करे तो उसके साथ कैसे निपटना है वो देखो और सीखो। जल्दी निकल वहाँ से। पहले ऐसे लात मारो, फिर ये पैर पकड़ कर और निकलो। बाप रे, अब ऐसे छाती पर पैर रख कर ऐसे फंस लो। अब ऐसे उठा कर उसे पैर। मर गया रे, मर गया। इन जैसे चोरों पर जरा भी इंसानियत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चों, मैं कैसे इसे फिनिश करती हूँ। तू काल दो मत कर मेरे लिए, क्यों मर जाए भाई बच्चा। दीदी, मम्मी को ये लोग बहुत मार रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो मम्मी को पापा भी नहीं मार पाए थे। एसपी के पत्नी पर हमला करने वाले चेन स्नैचर, आज की ब्रेकिंग न्यूज यही है। देखो, सीसी कैमरा के सामने रखकर मार रहा है। वो उन्हें इस तरह से मार रहा है जैसे वो कोई सामान की गोनी हो। सर सर सर, एसपीजी की वाइफ को जानबूझकर ही टारगेट किया है ऐसा लग रहा है मुझे। सर, पुलिस लोग कुछ भी उखाड़ नहीं सकते, वो ये करके भी बता रहे। देखो ना, देखो, देखिए। तो तुम लोग कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हैं सर, हम खाली सब्जियां उठा रहे हैं सर। भिंडी, बैगन, आलू, टमाटर, धनिया, चिकन, मटन लेकर भी कभी कभार हमें जाना पड़ता है सर। तो किसी के घर में डायपर्स लेकर जाओ तो किसी का ड्राइवर बनकर जाओ। प्रॉपर पुलिस की ड्यूटी करके तो बहुत दिन हो गए हमें सर। सर, कंप्लेंट लेना छोड़कर हम इनके घर के राशन का हिसाब रखने लगे हैं सर। यार सभी इसी से बहुत परेशान है सर। मैं तो बोल पा रहा हूँ, काफी लोग बोल भी नहीं सकते सर। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ सर। मैं हमाल की तरह कंधे पर कबाड़ उठा कर ले गया हूँ सर। अरे धक्का मत देना, तू धक्का देगा तो उठाना तो मुझे ही है ना। इतने बड़े कपाट में इतना बड़ा पत्थर रख दिया था। मैंने पूछा ये क्या है सर, बोला जस्ट जॉब। आई कांट डू दिस जॉब। मुझे फोन पर बात करना है सर। थैंक यू। हाँ मां, अभी तक घर क्यों नहीं आया? पगली कहेंगी, मैं मीटिंग में हूँ तो फोन करके बकवास कर रही है। बेवकूफ बना रहा है ना? अभी निकलना सर। सर, ये सासू माँ है सर, 10 रुपए के हिसाब के लिए फोन किया है सर। आज मैं वो भी दे दूंगा सर। अरे ओ दोनों नौटंकियो, एसपी साहब के साथ ड्रामा मत करो, साइड में खड़े हो जाओ। मैं आपके बारे में नहीं बता रहा हूँ सर, हम कांस्टेबल की जिंदगी बता रहा हूँ सर। ये क्या हरकत है, बच्चों को क्यों डरा रहे हैं सर? मेरे सामने ऐसे बात कर रहे हैं तो पीठ पीछे क्या करते होंगे इसका पता चलता है। कामराज, डिसमिस ऑर्डर टाइप करो। यस सर। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करना सर, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। सर, आपकी वाइफ को अगर चेन स्नैचर ने मारा है तो मेरी वाइफ को चड्डी मैन ने मारा। चड्डी मैन कौन है? एक वीक का टाइम दीजिए सर, मैं इंक्वायरी करता हूँ। इंक्वायरी नहीं, एनकाउंटर करो। एक वीक में अगर एक भी बचा तो तुम नहीं बचोगे। क्यों सर, क्या सच में एनकाउंटर करेंगे? एनकाउंटर उसका सर, थोड़े दिनों में वो पागल हो जाता है, भूल जाओ। फिर इन बच्चों का क्या? बेचारे बच्चे को उसका बाप बुला रहा है, भेजना तो पड़ेगा ही ना। चलो कुछ करते हैं। ये है उन स्नैचर्स की लिस्ट, इनकी वजह से कई लोग जिंदगी गंवा चुके हैं। इतने दिनों तक हमने अधिकारियों के घर पर नौकर जैसा काम किया, बस हो गया। इस प्रूफ के साथ सिंसियर ड्यूटी करके हम ये साबित करेंगे कि कांस्टेबल भी पुलिस है। जय हिंद। डॉक्टर आकर रिपोर्ट्स चेक कर लेंगे आपकी। ठीक है, वैसे रिपोर्ट सारी ठीक है, आप बैठिए, डॉक्टर आते ही होंगे। ठीक है मैम। क्या हुआ, यहाँ क्यों आ गए? लव एक्सेप्ट कर लिया तो पीछे पीछे यहाँ तक आ गए? नहीं नहीं। तो मेरा एक छोटा सा डाउट है। हाँ। तुम मुझसे क्यों प्यार करती हो, ये जानने के लिए आया हूँ मैं। ओहो, मुझसे शादी करने वाले इंसान में क्वालिटीज नहीं हो तो भी चलेगा, पर कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, और वो मैंने तुम में देखा है। थैंक यू। तो फिर मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। मेरी? सेल्फ सर्विस के साथ साथ सोशल सर्विस करना जरूरी है। सुपर, ये है तुम्हारी सोशल सर्विस? यस, कम ऑन। हम लोग
गरीब हैं, खाने के हमारे वांधे हैं, ये मेरा छोटा बेटा है, इसको बड़ा करना है, तो हम सबको खाने के लिए कुछ पैसा तुम देना, चेक से कैश से कैसे भी पैसे दे 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 दे। पद्मा, दो चेन खींची है 24 कैरेट, मटन लेकर मस्त बिरयानी बना, एक घंटे में आऊंगा मैं। पैसे दे दे पागल। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में रुक 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 क्या काम है? दे दे मेरे पैसे तो हम चले जाएंगे। चुनाव लगाने का काम तेरा देख लिया। कौन हो तुम लोग? तू है मक्का? हट जाओ से भाग। करनी बेकार बाबा, पैसे दे दे चले जाएंगे। हाँ हाँ पैसे दे दे चले जाएंगे। अरे छोड़ो, तू मिला नहीं क्या सुबह से? क्या कर क्या है भाई? कौन थे वो लोग? पता नहीं, भिखारी थे, बहुत परेशान थे। चूरा के दिल में क्या कर रही है तू? भाई। हाँ क्या हुआ भाई? आपका हाथ कहाँ है भाई? तेरी, चल भाग, आओ ना ट्रीटमेंट करता हूँ तुम्हारा। चला भाई, आपको कुछ नहीं होगा भाई, चलिए, टेंशन मत लीजिए भाई। आजा, आजा, आजा। चलो डॉक्टर के पास, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर डॉक्टर देखिए ना डॉक्टर, भाई को क्या हो गया? क्या हुआ? ऐसे घबरा रहे हो जैसे वॉलेट चोरी हो गया हो, क्या हुआ ठीक से बताओ। भाई जब भाभी के साथ रोमांटिक बातें कर रहे थे उसी समय उनका हाथ कट गया डॉक्टर। आपके पास कुछ है तो लगा दीजिए। क्या लगा दूं? अब वही हाथ डॉक्टर। अरे भाई ये कोई स्पेयर पार्ट्स की दुकान नहीं है, हॉस्पिटल है, और तुम इतनी चोट के बाद फ्रिज में रख के ठंडे बॉटल की तरह कूल खड़े हो, इन्हें दर्द नहीं होता क्या? भाई भाई मुंह के अंदर क्या है? ओ कर रहा है, शांत शांत शांत। ये कोई पक्का प्रोफेशनल है, एनेस्थीसिया देकर इसका हाथ काट कर लेकर चला गया। भाई का हाथ काटने वाला है कौन? हेलो डॉक्टर कबाली। डॉक्टर आपके सामने कोई भैंसे टाइप का आदमी खड़ा होगा, देखिए वो कौन है जानते हैं डॉक्टर? फिलहाल तो मेरा पेशेंट है। यही तो आपने गलती कर दी डॉक्टर, वो मोस्ट वांटेड चेन स्नेचर है डॉक्टर, वो औरतों की चेन खींच कर भाग जाता है। वो किसी भी औरत के गले में चेन नहीं देख पाता। अभी उसका एक हाथ मेरे पास है। हाथ तुम्हारे पास कैसे आया? वो हमें ढाबे में मिला डॉक्टर। ढाबे में मिला? मेरी बात सुनिए, अगर वो अपने सारे गुनाह मीडिया के सामने आकर मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता तो? अगर नहीं मानेगा तो क्या होगा बता दे। अगर नहीं मानता है तो हम हाथ गन्ने के मशीन में डाल देंगे, उसकी खिचड़ी बना के कुत्तों को खिलाने के लिए डाल देंगे। नहीं नहीं जाने दो जाने दो। वैसे तुम लोग हो कौन? लड़कियों की हिफाजत करने वाले, लड़कियों को बचाने वाले। ए डायलॉग हिट है ना, सुपर। अब डील ओके है ना डॉक्टर? डील ओके डील ओके। सर किससे बात की है? सर तेरे लिए गुड न्यूज है, जिसने तेरा हाथ काटा उसका ही फोन था। जो भी तेरे पाप है अगर वो तू मीडिया के सामने मानता है तो तेरा हाथ तुझे दे देगा। अगर नहीं माना तो? अरे कट करने के 2 घंटे के अंदर अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो कोई भी नस काम नहीं करेगी, सारी लाइफ सिंगल हैंड से काम चलाना पड़ेगा, समझ गए? मान लो भाई। कौन है बे जिसने मेरा हाथ काटा? डॉक्टर मेरे भाई पे हाथ उठाया। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अफजल है, मैं अब तक 630 चेन खींच चुका हूँ, ये मैंने किया है पर करवाया है भाई माणिक ने। वैसे आपका हाथ कहाँ है? डोंट वरी, ऑन द वे है, दूसरे आदमी लेकर आ रहे हैं। चल 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 चल। हमारे हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट आ गए, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा डॉक्टर। डॉक्टर अब हमारी तरक्की हो रही है, इतने लोग हैं ना। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही। आ जाओ चलो ऑपरेशन थिएटर में चलो। चलो कुछ तो करो डॉक्टर, हाथ नहीं होंगे तो खाना कैसे खाऊंगा। पीला कलर? हाँ हाँ बोलो। तुम्हारा कौन सा हाथ है? राइट हैंड। राइट हैंड? अरे पीला कलर का राइट हैंड है क्या, देखना जरा। वेरी गुड वेरी गुड। व्हाइट फुल शर्ट तेरा लेफ्ट हैंड है क्या? हाँ ये रहा। हाँ हाँ चलो तुम लोग के हाथ मिल गए। मेरे हाथ की पहले उंगली में एक सोने की रिंग थी। उंगली में कोई रिंग पहने हुए हाथ है क्या?
उंगली में रिंग पहना हुआ हाथ, ऐसा यहाँ कोई हाथ नहीं है। डॉक्टर हमारे पास हाथ तो है लेकिन रिंग नहीं है। रिंग नहीं है रे, पर हाथ तो है ना। चलेगा। सबके हाथ हमारे पास है, हम एक काट काट कर लेकर आए थे, सबके सब फ्रिज में सेफ है। अगर वो अपनी गलतियाँ मानते हैं तो सारे हाथ उनको वापस कर देंगे, उन्हें मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम लोग के हाथ उसी के पास है, क्या तुम लोग अपनी अपनी गलतियाँ मीडिया के सामने मानोगे? सुई में धागा डाल रहा हूँ ना। अरे कितनी देर लगाएंगे सर, ये एक्सप्रेस ट्रीटमेंट है। ए बटले, ये ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ आइसक्रीम नहीं चाहिए। आइसक्रीम नहीं लाया। अरे अरे इसका राइट हैंड चाहिए, लेफ्ट हैंड नहीं। अरे जो भी है लगा दो डॉक्टर। तो लेफ्ट हैंड लेके क्या करेगा डॉक्टर, ये हाथ उसका नहीं इसका है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये ले लो, वो मुझे दे दो। ओके ए पकड़ जोर से, जोर से। क्या रे, औरतों की चेन खींचते वक्त बहुत मजा आता था ना। डॉक्टर डॉक्टर मेरा हाथ मिले, जल्दी से लगाइए डॉक्टर, उसके बाद जल्दी से लगाइए। ए ए ए रुको, ये पकड़ो, दर्द हो रहा है, जल्दी करो सर, खुद ही सिल लो। अरे तूने मेरा हाथ नहीं लगवाया। शहर के चैन स्नैचर्स ने मीडिया के सामने खुद अपना गुनाह कबूल किया। अभी तक मैंने 130 लोगों की चैनें चुराई हैं, ये सब मालिक भाई ने करवाया है। ये सब हमने अपनी मर्जी से नहीं किया सर, ये सब वो मालिक करवाता है। इतना सब कुछ बाहर होने के बाद भी इनका लीडर माणिक अभी तक बाहर नहीं आया है। इन चोरों का पर्दाफाश करने में पुलिस की अहम भूमिका है, ऐसा लोगों का कहना है। अरे वाह क्या बात है। अरे एसपी सर का फोन। सर लाइफ में फर्स्ट टाइम डायनामिक ड्यूटी की है तुमने। हा? मैंने एक वीक का टाइम दिया था, तुमने एक दिन में खत्म कर दिया। रियली आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू सर, अगर आपकी ब्लेसिंग्स रहेंगी तो मैं यहाँ से क्राइम का नाम और निशान मिटा दूंगा। यस यस गो अहेड गो अहेड। थैंक यू सर। किसी और के मोबाइल का रिचार्ज आज मेरे मोबाइल में आ गया, ये तो ऐसा हुआ कि बिना कुछ किए आप एक बच्चे के बाप बन गए, कमाल हो गया। वैसे सोचो आखिर ये काम किया किसने होगा। सुनो ना मुझे वो चाहिए। पप्पू बेटा पप्पू। पापा हनी मेरे पापा आ गए, भागो जल्दी। हे तू बाहर क्यों आ गया? मैं बाहर आया नहीं हूँ सर, बुलाया गया हूँ। मैंने आपका कितना काम किया और बदले में आपसे कुछ नहीं मांगा, फिर आपने मेरे आदमियों के साथ ऐसा क्यों किया? अरे भाई मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। थोड़ी देर पहले एसपी साहब मेरी तारीफ कर रहे थे, अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो मैं नौकरी से हाथ धो बैठता। मुझे सब पता है सर, मेरे आदमियों का हाथ काटने वाला, मीडिया के सामने मेरी पोल खोलने वाला, वो सब आपका डिपार्टमेंट है सर। अरे कौन है वो लोग? और कौन, वही बच्चे लोग, कांस्टेबल राम और उसका चेहरा कमलू। बाप रे। और एक बात सुनिए, आपको अपने बेटे के अंदर कोई बदलाव दिखा क्या? अरे कोई मामूली बदलाव नहीं दिखा, वो अब नारी को छोड़ के नर पे फिदा हो गया है। ये सब भी उसी की वजह से हुआ, उसने 4 कैदियों से आपके बेटे का रेप करवाया है। तभी से आपका बेटा लड़कियों को देखना छोड़ के लड़कों को देखने लगा है। बाप रे। आपकी वाइफ पे हाथ उठाने वाला कोई चड्डी गैंग नहीं था, भेष बदल के इन्हीं लोगों ने मारा है। इतना करने पे भी हम उसे छोड़ दें? पता है ना, बकरी के पेट से बकरी ही पैदा होती है, लेकिन यहाँ पे इस बार लोमड़ी पैदा हो गई है। सुन ले माणिक, सेम स्पॉट सेम प्लान। मिस्टर भूपेंद्र। सर। माणिक कहाँ मिलेगा इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, एसपी साहब की परमिशन भी मिल गई है। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में तुम्हें। सर सर, माणिक मिल गया है सर। एनकाउंटर ऐसी कुछ बातें मैंने सुनी है सर, ये यूनिफॉर्म मैंने माणिक को मारने के लिए पहनी है सर। एनकाउंटर में मुझे भी शामिल करेंगे तो मेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी सर, प्लीज सर। राजा हम मारेंगे तो ड्यूटी, और तुम मारोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे मारने का हक हमसे ज्यादा तुम्हें है राजा। थैंक यू सर। सर सर मैं भी जाऊंगा सर, मैं भी जाऊंगा सर। सर सर मैं तू बंदर की तरह क्यों नाच रहा है? सर शिव प्रसाद जी इसके फादर थे, तो मेरे गॉड फादर थे सर, मुझे एक मौका दे दीजिए सर, मैं भी जाऊंगा सर। कमलेश कुमार, हम लोग कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं, एनकाउंटर के लिए जा रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो कोई नहीं बचेगा। सर जो होगा देख लेंगे। तो पक्का है ना तू तैयार है? तो जा अपना फर्ज पूरा कर, तू अपने पिता की आत्मा को शांति दिला। भूपेंद्र दोनों की इच्छाएं पूरी करो। सर आपके पैर पड़ता हूँ, आप तो भगवान है सर। सर सर बंदूक निकाल कर हम तैयार रहते हैं सर। ठीक है तैयार हो जाओ। यस चलो करते।
सर सर यही है क्या वो एनकाउंटर स्पॉट? अब जाओ। महाबलेश्वर जैसा ठंडा है सर। पंचमी चहक रहे आइए सर उतरिए। राघवेंद्र तू उस तरफ जा और विजय तू सामने जा। ए पुरुषोत्तम तू उस तरफ जा। टारगेट मिस नहीं होना चाहिए। टारगेट मिस नहीं होगा पर तब तक एक शॉर्ट स्टोरी सुनाओ आपको। ए भाई एक्शन बोलना यार। एक्शन। राघवेंद्र इस तरफ गया, विजय वहां पर गया, पुरुषोत्तम सामने गया, इतने में आपकी वॉकी टॉकी आपने मुझे दी, ये कहकर कि बेटा तुझे एनकाउंटर के बारे में कुछ पता नहीं, तू यहाँ खड़े रहकर मुझे इत्तला करना। सब लोग माणिक को सर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद गन का साउंड आया। उस आवाज की वजह से मैं डर के मारे कांपने लगा, फिर हिम्मत करके मैं शांत हो गया। इतने में कट करके माणिक जंगल के अंदर से हाई स्पीड में भाग के आ रहा है अपने टारगेट के पास। आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहा है, एकदम सामने आ रहे आ रहे, ये आया ये आया और कट। आपने भी बिल्कुल इसी तरह मेरे पापा को मारा था। तो तुझे सब पता चल गया? मुझे सब कुछ पता चल गया। तुझे भी तेरे बाप के पास भेज देता हूँ। दोस्त मेरे पापा का बदला लेगा। अरे दोस्त मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ अभी। क्यों रे टकलू, इतना सब कुछ जानने के बाद तुझे क्या लगा मैं गोली नहीं बदलूंगा? ये तो डमी बुलेट है, मैं शॉर्ट फिल्म में यूज करता था। टपी 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 आ गया उड़ाने। अरे कल रात में पीकर सो गया था तू। आप कितना टप टप करेगा डमी बुलेट? नहीं तो क्या? अरे वो असली बुलेट निकाल रहा है, चल 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 निकल यहां से निकल। भाई सुअर को फंसाने वाले जाल में टकलू भैंसा फंस गया। बड़ा आया हमें मारने वाला, अब तेरे ही खून से तेरा ही तिलक कर देते हैं हम। टकला मोटा मर गया। हेलो सर, सर माणिक का एनकाउंटर करते करते एसआई भूपेंद्र सिंह को माणिक ने मार दिया सर। क्या कहा? ऐसा हो ही नहीं सकता, तू झूठ बोल रहा है। सर 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 माणिक आ रहे, सर माणिक आ रहे, माणिक आ रहे सर, बचाइए। बाप रे, तुम्हें क्या लगा ये एनकाउंटर तुमने प्लान किया था? नहीं रे बाबा, हमने प्लान किया था। तेरा भी खेल खत्म। क्या हुआ? हे माणिक, आज तो तेरा बर्थडे मनाऊंगा मैं। इसीलिए तो मार रहा हूँ तुझे। तेरा बाप मेरे हाथ के एक ही प्रहार से मर गया था, फिर तू क्यों मेरे हाथों से तड़प तड़प के मरना चाह रहा है? हाँ भाई मुझे मत मारना भाई, मैं मर जाऊंगा। मत मारना भाई मुझे, मत मारना भाई। अच्छा तेरे ठंडा पकड़ा। Huh?
मेरा वार सीधा टारगेट पे होता है। बड़ा मजा आ रहा है तेरे साथ। हेलो, मुझे तेरा प्लान समझ में आ गया। तू अपने पुलिस वालों से मुझे खत्म करवाना चाहता था ना? अरे तुझे किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। रॉन्ग या राइट नहीं जानता मैं। तू यहाँ आ रहा है या फिर तेरे बेटे की लाश को पैक करके भेज दूँ। आखिरी बार अपने बेटे से बात कर ले। अरे नहीं पापा, ये लोग मुझे मार देंगे पापा। बेटा तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। गुंडे मवाली कहीं के, तू मुझे ब्लैकमेल करता, तू मुझे वार्निंग देता है। पापा मुझे बचाओ। ये क्या ड्रामा चल रहा है? इसमें ड्रामा नहीं है सर, सब कुछ असली है सर। आज मैं तुझे खत्म कर ही देता हूँ। सर अगर आपने मुझे कुछ किया ना तो इस पापा का पप्पू सीधा ऊपर चला जाएगा। पापा, पापा। देख सुन, तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा, बस मेरे पप्पू को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। अगर तू अपने पप्पू को बचाना चाहता है तो मेरे पापा को मारने वाले इस माणिक को तू अपने हाथों से मारेगा। अपने पप्पू को बचा ले। तेरे कहने पर इसने मेरे पापा को मारा था, अब मेरे कहने पर तू अपने बेटे की जान बचा, उसको मार दे तू, तभी तेरा बेटा तेरे हाथ आएगा, मेरा सब क्लियर हो जाएगा। चल मार, चल मार। आज है दशहरा दीपावली, आज है दशहरा दीपावली। क्या बात है सर, ओलंपिक में जाते ना तो गोल्ड मेडल लेकर ही आते। इसके लिए 3 बुलेट वेस्ट कर दी, बेकार इतने दिन रुका, इसे पहले मार देना चाहिए था। पर अब तुम मेरे पप्पू को छोड़ देना। आई लव यू। ए कमलेश कुमार, छोड़ दे रहे उसको। पापा चल जा। पापा मुझे बचा लो पापा। पप्पू आई लव यू। पप्पू आई लव यू टू पापा। अरे भाई इसने अपने बाप को मार डाला। ए दोस्त मैं बताता हूं। I miss you, पापा। सर, आपकी वजह से ही मेरे पापा के सीने में छुरा भोंका गया था सर। उनको कितना दर्द हुआ होगा ना? सुना मत। ऊपर जाने के बाद अगर पापा ने पूछा कि तुझे किसने मारा तो मेरा नाम बता देना उन्हें। उनसे कहना कि तुम्हारे बेटे राम ने मुझे मारा है। बहुत प्राउड फील करेंगे वो। जीते जी उन्हें कभी खुश नहीं देख पाया मैं। कम से कम तुम्हें ऊपर देखकर उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ए टाइम एंड हो गया तुम्हारा, तुम जाओ अभी। चलो लेकिन मेरे पापा नहीं माने, वो बोले कि मैं तुम्हारा केस नहीं खत्म करूंगा। तब उसी वक्त उस गुंडे ने मेरे पापा को चाकू घुसा के मार दिया। जब वो मुझे मारने के लिए बढ़ा उसी वक्त राम ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचा लिया। ठीक है, मेरे पापा बहुत अच्छे थे, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। सर इस घटना में ऐसा अरे सुनो, सुअर के बिछाए हुए जाल में खुद ही फंसकर मर गए। मैंने उनको मना किया था, नहीं माने। अच्छे इंसान थे, मैं छोड़कर चले गए। कितने सिंसियर थे, हमें प्यार से रखते थे। कल से मैं पुलिस स्टेशन भी नहीं जाऊंगा। तो एनकाउंटर में सिर्फ आप लोग कैसे बचे सर? नहीं, हम लोग मौत के मुंह में जाकर वापस आ गए। दिखता नहीं क्या? अरे मैडम बुरा मत मानना प्लीज, तू आ जा। मीडिया के सामने चिल्लाना नहीं, वी शुड रिस्पेक्ट द मीडिया यार। भाई उस बेवकूफ ने अपने बाप को क्यों मारा? उस बेवकूफ ने अपने बाप को मारा? किधर? अरे भाई एक्टिंग बंद कर, नट सम्राट तेरे हाथ धोता हूं। चला जा, तुझे 3 घंटे पहले क्या हुआ था इसकी स्टोरी दिखाता हूँ मैं। वो देख, नहीं वहाँ पर नहीं, यहाँ पर देख। ये क्या है पता है? तुम लोगों के काले कारनामे मेरे पापा ने तैयार किए थे। अगर मैं इसे ले जाकर कमिश्नर के पास रखता हूँ ना तो तेरे पापा का जॉब चला जाएगा, तू और तेरा बाप जेल में चला जाएगा, तेरी मम्मी रोड पे भीख मांगेगी, पूरी फैमिली की हालत कुत्ते जैसी हो जाएगी। बस ये फाइल मुझे देनी है, बोल क्या चाहता है तू? देख अगर मेरी बात को तू मानेगा, फाइल कमिश्नर के पास नहीं जाएगी। तेरे पापा एनकाउंटर में शहीद हो गए हैं, ये गवर्नमेंट उनको मेडल देगी, तुझे जॉब देगी, तेरी माँ को हर महीने पेंशन मिलेगी। समझ ले, तेरी फैमिली अच्छे से जी पाएगी,
मेरे पापा के एनकाउंटर में मरने के बाद मुझे भी जॉब मिला के नहीं? वैसे भी तेरे पापा भी एनकाउंटर में मरने के बाद तुझे नौकरी मिलेगी, तू तो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ आराम से घूम सकता है। मोबाइल कमिश्नर के पास भेजो या तो अपने पापा को मारेगा चॉइस तेरा है, सोच के बता। अरे ना समझ, इतना क्या सोच रहा है, मार दे। देख लिया ना? अरे बेटे, I'm proud of you, my boy, proud of you, I appreciate यार, क्या स्क्रीन प्ले बनाई तूने मारने के लिए भाई, इतनी अच्छी तो फिल्मों की स्क्रीन प्ले नहीं होती, मुझे बहुत खुशी हो रही है भाई, बहुत खुशी हो रही है। चल। आओ आओ। सर। मैं? शॉर्ट टाइम में ही प्रमोशन लेने वाले तुम इकलौते इंसान हो। एक हेड कांस्टेबल को, एक एसआई को, एक डीएसपी को मारने वाले गुंडे को तुमने बड़ी हिम्मत से खत्म किया। गवर्नमेंट तुम्हें याद रखेगा। तुम्हें मुंबई के पुलिस स्टेशन में एसआई का प्रमोशन दे दिया है। सर, अपने पापा का नाम रोशन किया, कांग्रेस। पापा, पापा, आप मुझे एक बड़े ऑफिसर के रूप में देखना चाहते थे ना, ये देखो। अब मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, मुझे अपनी मनपसंद फिल्म इंडस्ट्री में जाकर काम करना है, मुझे आशीर्वाद देना। फिल्मों में नहीं, रियल लाइफ में हीरो बनना सीख। मुझे नहीं जाना है पापा। पुलिस स्टेशन में जा। करो, ठीक से उठक बैठक करो, किसी की इज्जत नहीं करते हाँ। अरे तू रोक, तू कहाँ भागा भागा जा रहा है रे? दामाद के मरने के बाद भी नहीं सुधरी तू? के मरने से कुछ नहीं हुआ तो दामाद के मरने से क्या होगा? वो कौन होता है मेरा? ओ, तू क्या रे, मुझे काल के की तरह आंखें दिखा रहा है, मुझे डरा रहा है, मुझे क्या लगा मैं डर जाऊंगी? मुझे डराएगा काले कलूटे? अरे ये क्या कर रहा है, टोपी निकाल रहा है, वर्दी उतार रहा है, मुझे मारेगा, मुझे मारेगा तू? अरे सास को मारेगा? मैं तुझे इज्जत दे रहा हूँ, तू मुझे मार रही है। मुंह मत खोलना। जान से मार डालूंगा तुझे।